अस्पताल के सुरक्षा रक्षक को नहीं मिली है उनकी पूरी तनख्वाह। सुरक्षा कर्मी हड़ताल पर। यह नजारा नवी मुंबई नेरुल के डीवाई पाटिल अस्पताल का है। यह भीड़ आप देख रहे हैं, यह सभी मेहनतकश लोग हैं जो सुरक्षा रक्षक का काम करते हैं, पर इन लोगों के काम करने के बावजूद इनके कॉन्ट्रैक्टर ने जब उनके रुपए देने में आनाकानी की, तब इस बात की लिखित शिकायत डीवाई पाटिल अस्पताल के मैनेजमेंट से की गई। जब कोई हल न निकला तब यह सभी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए, पर इनका सुध लेने कोई नहीं आया। आपको बता दें कि महामारी के दौरान अस्पताल में लगातार यह सभी काम कर रहे हैं, और बेहद खेद की बात है कि अस्पताल में काम करने के बाद अगर ये बीमार हो जाए तो इनसे इलाज का पैसा वसूला जाता है। इनकी तकलीफें कई हैं, पर वो हक के लिए अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते। आप भी सुने, 7 दिन से यह न्याय की मांग के लिए मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बदले कॉन्ट्रैक्टर सीधे काम से निकालने की धमकी दे दी, और साथ ही चेतावनी भरे लहजे में तुगलकी फरमान सुना दिया कि मुंह बंद कर चुपचाप काम करें या घर जाएं। पीड़ितों का कहना था कि हम 4 साल से लगातार काम कर रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है, पर हम अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएं। आप भी सुने पीड़ितों ने क्या कहा। वहीं हमारे प्रतिनिधि घटनास्थल पर थे, जिन्होंने पीड़ितों से विस्तार से जानकारी ली। हम कभी बीमार हो जाएंगे तो हमारा इलाज नहीं किया जाता है, हमारा खुद का पैसा देके हमको इलाज किया जाता है। अच्छा, आप अस्पताल में ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है बीमार होने पर वो इलाज की सुविधा नहीं है और उल्टे पैसे वसूले जाते हैं आपसे। अस्पताल में काम करने के बाद आपसे पैसे लिए जाते हैं जी? मेरा भी दवा का पैसा ले लिया। अच्छा, मेरा को 1 रुपया भी ऐसा माफ नहीं किया उन्होंने। कितने पैसे आपसे ले लिया, कितने वसूले? मेरा दवा का पैसा लिया तो 300-400 रुपए लिया। अच्छा, दवा का पैसा मैं घर पे महीना भर टी करूंगा। हाँ, पगार भी बराबर दिया नहीं मेरा। पीएफ भी मेरा 10,000 है। बीमार होने के बाद हम घर पे बैठे। बोलिए बोलिए, वहीं से बोलिए। माने सर, एक क्या मालूम है क्या, पीएफ के नाम पे बोलते हैं, आज एक एक आदमी को 3-3, 4-4 साल हुआ है। हाँ। उनके अकाउंट में देखा जाएगा तो 400-500 रुपया है। हाँ, और जो सुपरवाइजर है बोल के आज इतने गार्ड है, ये बाकी जो बड़े बड़े साहब अफसर है कोई कुछ काम नहीं करते, कोई कुछ मदद नहीं करते, कोई पूछने तक नहीं आते। आज जो भी कुछ चला है सुपरवाइजर के ऊपर ही चला है। आज एक तो इस तरह की जो वाकया हो रहा है, इसकी शिकायत आपके लोगों में से किसी ने विजय पाटिल से नहीं की? सबसे किया, सब तक लेटर गया, सब कुछ गया। हर आदमी क्या करता है, अपने पैसे के बदबूद पे हर पुलिस वाले को बुलाता है, लेटर देता है, बस हमको वहीं दबाए दिया जाता है। आज होएगा, कल होएगा, आज होएगा, कल होएगा करके आज ये 4-5 महीने से ऐसे हो रहा है सर। आज आप एक एक आदमी से देखो, पूछ के देखो, वहाँ 4-4, 5-5 साल से काम कर रहे हैं, उनके पीएफ पे सिर्फ 400 रुपया है। आप पहले पगार काटते, पहले इंटरव्यू लेते, 13,000 पगार मिलेगा, 12,000 मिलेगा, पीएफ कटेगा बोले, ये सब झूठ बात है। ये कुछ भी नहीं, और ऐसा ही ना मेडिकल ने कुछ नहीं, और जो आदमी बीमार हो गया, मर गया, कुछ भी उसका कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, कुछ भी नहीं लेता सर। आज 7 दिन से, आज सवेरे बोला कि हमको अंदर काम पे आओ, अंदर आने के बाद हमको क्या बोला कि अंदर आने के बाद अंदर गए, अंदर जाने के बाद फिर हमको भगा दी। ओके, तो इस बात पे सोचो आपके क्या करना चाहिए सर। हर आदमी की मुश्किल बहुत है, हालत खराब है। वंदना जी, ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने महीनों से या कितने साल हो गए? हम लोग 4 साल से काम कर रहे हो, तो क्या दिक्कत था आपको, किस वजह से आपने मतलब काम पर जाना बंद कर दिया, वजह क्या थी? सब काम कर रहे, कोविड का हम लोग को पेमेंट देने वाले थे, हम लोग को पेमेंट नहीं दिया जी। हर महीने का हमारा सैलरी उस पे कट कर दी। पीएफ नंबर 4 साल हो गए, पीएफ नंबर भी नहीं दे रहे। 4 साल हो गए, पीएफ नंबर भी नहीं दे रहे हैं। तो कौन है आपका मुखिया, कौन है? ठाकरे सर, ठाकरे सर, ठाकरे ईएमजी कंपनी के मालिक। हमारे डीवाई पाटिल से कुछ लेना देना नहीं, हमारा कंपनी से लेना देना, हमारे ईएमजी से उससे काम। तो कंपनी ने ठेका लेके उसने तो अपने पैसे ले लिए होंगे डीवाई पाटिल से, तो फिर आपको क्यों नहीं, आप लोगों को क्यों नहीं दिए जा रहे? हम लोग कर रहे ना, वही तो स्ट्राइक कर रहे हम लोग, इसकी वजह से हम लोग स्ट्राइक कर रहे। सिक्योरिटी का काम करते कितने महीने से कर रही थी आप यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल में अभी कितने महीने के सैलरी बाकी है आपकी? सर कोविड से ही चल रहे बंद है, 3-4 महीने, 4 महीने से। 4 महीने से, तो 4 महीने से जब सैलरी नहीं दिया जा रहा था तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया पहले? 3 बार स्ट्राइक कर चुकी है। तो अब क्या बोलना है, उनका क्या कहना है? सारे लोगों ने सबका पेमेंट दिया, गार्डन लोगों का भी दिया, हाउसकीपिंग वालों का भी दिया, खाली सिक्योरिटी का ही नहीं दिया। खाली सिक्योरिटी का भी पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन सिक्योरिटी का नहीं दे रहे।
तो आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो बैठ के, तो आपकी मांगे मान ली जाएगी, आपको लगता है? मानना पड़ेगा। जैसे कि दूसरे ने बताया कि अभी तो लोग भी वहाँ पे लिए जा रहे हैं, भर्ती किए जा रहे हैं, वो लोग वहाँ पे ज्यादा पैसा देके, वो लोग 500 रुपए डेली का देके वो लोग चढ़ा रहे हैं, हम लोग उतना पेमेंट तो देते नहीं डेली, हम लोग का यानी उसको 15,000 रुपए दे रहे हैं, आपको 11,000 दे रहे हैं। ओके, हम लोग पुराने हो गए, हम लोग को ज्यादा पेमेंट नहीं, कम पेमेंट में हमसे काम करवाते। 4 साल से हो गए। तो 4 साल ड्यूटी करने के बाद अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि आप लोगों को सड़क पे आना पड़ा? सर हमारा पेमेंट का प्रॉब्लम है, पेमेंट ही नहीं दे रहे। पेमेंट दे ही नहीं रहा है नहीं। लेकिन वो तो विजय भाई पटेल हॉस्पिटल से पेमेंट तो उठा रहा है ना? हाँ, उधर से उठा रहे हैं, हम लोग को नहीं मिल रहा है ना। क्या नाम है उसका, जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है? ईएमजी कंपनी है हमारी, पीएमजी कंपनी है, एएमजी, ईएमजी, ओके, परिचित ठाकरे, परिचित ठाकरे, सरिका सचिन चौहान। सरिका जी, क्या बताइए क्या मामला है, ये सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? यहाँ पे पेमेंट ठीक से दिए नहीं जाते हैं जी। और दूसरी बात, हम लोग को बुलाते हैं पेमेंट के लिए, आपको पेमेंट कल करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे बोलाते हैं, करते नहीं है जी। कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए कि पेमेंट? 4 महीने हो गए। 4 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली है। कुल मिला के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कितने लोग होंगे और क्या क्या काम करते होंगे? 80 सिक्योरिटी सर, सिक्योरिटी 80 स्ट्राइक पे है, हम लोग लोग है, 80 लोग हैं। नवी मुंबई नेरुल के डीवाई पाटिल अस्पताल के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं ये तमाम लोगों की जो भीड़ है, ये सभी डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं, लेकिन बीते 4 महीनों से इन्हें रुपए नहीं मिले, यानी कि तनख्वाह नहीं मिली है, और यही वजह है जिसकी वजह से आज ये लगभग 7 दिनों से सड़क पर है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 7 दिनों से बाहर सुबह से शाम तक बैठे रहने के बावजूद डीवाई पाटिल हॉस्पिटल का मुखिया या उसका कोई भी अधिकारी इनसे बात करने के लिए नहीं आया कि आखिर क्या बात है, आप क्यों बाहर खड़े हो। फिलहाल इनकी लड़ाई जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस प्राइवेट कंपनी ने ठेका लिया हुआ है, उन तमाम लोगों को काम पर रखा हुआ है, ये लगभग सभी 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि पीएफ के पैसे के नाम पे घोटाला चल रहा है, दूसरी तरफ इन्हें इनको सैलरी नहीं दी जा रही है और इसी वजह से हड़ताल पर है। अब वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने दूसरों को भर्ती करना शुरू कर दिया है, लेकिन इन्हें बाहर रखा है। ऐसे में देखना होगा कि तमाम लोग जो बाहर खड़े हैं, इन्हें न्याय मिलता है या नहीं, और इनकी लड़ाई कितनी लंबी चलती है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में गोपाल शाह, रियल वॉश न्यूज, नवी मुंबई।